दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1975 में रिलीज हुई एक क्राइम एक्शन ड्रामा मूवी का जिसका नाम है दीवार। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, परवीन बाबी, निरूपा रॉय, मनमोहन कृष्णा, मदन पुरी, इफ्तिखार, सत्यन कप्पू, सुधीर और यूनुस परवेज। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखी है सलीम जावेद ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है यश चोपड़ा ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं गुलशन राय। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो ये कहानी है दो भाइयों की यानी रवि वर्मा और विजय वर्मा। और इन किरदारों में हमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन नज़र आएंगे। और इन दोनों भाइयों का बचपन बेहद गरीबी और परेशानी से गुजरा है, जहां इनके पिता को जुल्म के खिलाफ लड़ने की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार दर बदर हो गया था। और फिर जब ये दोनों भाई अपनी माँ के साथ बॉम्बे आए तो इन दोनों भाइयों के रास्ते भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो गए। जहाँ विजय यानी अमिताभ बच्चन अपने बचपन से ही माँ और भाई को संभालने की जिम्मेदारी उठाता है और देखते ही देखते विजय जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन जाता है, जबकि रवि यानी शशि कपूर बड़ा होके एक काबिल पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जिसे अपने ही भाई को पकड़ने का केस मिलता है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी में आपको इन दोनों भाइयों के बीच दमदार टकराव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कहानी से जुड़े और भी बहुत से पहलू आपके सामने आएंगे, जिन्हें जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन के बारे में तो ये बात तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि दीवार एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, जिसे यश चोपड़ा के कैरियर की बेस्ट डायरेक्टेड फिल्म कहना भी गलत नहीं होगा। और देखा जाए तो दीवार मूवी बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की एक आइकॉनिक स्टोरी पे बेस्ड है, जिसे यश चोपड़ा ने अपने वक्त के हिसाब से काफ़ी यूनिक स्टाइल में प्रेजेंट किया था। और इस फिल्म के लिए डायरेक्टर यश चोपड़ा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करें तो इस फिल्म का फर्स्ट हाफ अमिताभ बच्चन के राइस को हाईलाइट करता है, जबकि सेकेंड हाफ में हमें फैमिली और गैंगस्टर ड्रामा देखने को मिलता है। और प्री क्लाइमैक्स टोटली पुलिस वर्सेस गैंगस्टर कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। और इस बात में कोई शक नहीं कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले टोटली इंगेजिंग और ग्रिपिंग है, जो हमें एंड तक बासानी बांधे रखता है। इसके अलावा डायलॉग्स की बात करें तो इस फिल्म के डायलॉग्स तो एक अलग ही लेवल पे स्टैंड करते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर भी हैं और शायद ही किसी दूसरी फिल्म के डायलॉग्स इतने ज़्यादा फेमस हों। और एक्शन सीन्स की बात करें तो इस फिल्म में हमें एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के एवरग्रीन एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जो बेहद एंटरटेनिंग और मस्ट वॉच हैं। इसके अलावा म्यूज़िक की बात करें तो फिल्म का म्यूज़िक भी क्लासिक है, जहाँ इस फिल्म के सारे गाने ही वाकई में सुनने लायक हैं। ख़ास तौर पे सॉन्ग कह दूँ तुम्हें तो उस टाइम पे ऑडियंस को बेहद पसंद आया था। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की तो अमिताभ बच्चन इस फिल्म में अपने मोस्ट आइकॉनिक अवतार यानी एंग्री यंग मैन के रूप में नज़र आए, और उन्होंने इस फिल्म में हर किसी को अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से ओवरशेडो कर दिया है, जहां उनके फेस एक्सप्रेशंस, चलने का अंदाज और डायलॉग डिलीवरी ये हर एक चीज़ टॉप नॉच थी। और वाकई में अमिताभ बच्चन ने अपनी शानदार एक्टिंग से इस फिल्म को और भी ज़बरदस्त बना दिया है। इसके अलावा शशि कपूर की बात करें तो उन्होंने भी अपना किरदार काफ़ी अच्छे से निभाया और शानदार परफॉर्मेंस दी। और बात करें निरूपा रॉय की तो उनके काम को भी ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। इसके अलावा फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। ओवरऑल देखा जाए तो दीवार बॉलीवुड की बेस्ट एवर गैंगस्टर मूवी है, जिसने ना सिर्फ गैंगस्टर मूवीज़ के जॉनर को प्रोमोट किया बल्कि एक ट्रेंड सेटर मूवी भी साबित हुई।
जिसके प्लॉट को लेके आज तक मूवीज बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, दीवार मूवी मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूंगा। आप सब भी इस आइकॉनिक मूवी को जरूर देखिएगा। और अगर आप अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको बेहद पसंद आएगी।